तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम तो बारह से खेलने वाले GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गाइस, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमारे जो दोस्त फ्रैंकलिन है, मतलब पलीटो से वापस आ गया था। गाइस, उसको पुलिस का खतरा था, अब वो बहुत उसके लिए कम हो चुका है। गाइस, फिलहाल उसने जो घर देख पाया, मतलब वाइन वुड के अंदर उसने बहुत तगड़ा अपना एक मैंशन खरीदा था जो रॉबरी के पैसों से। और फिलहाल मतलब उसने हमारे लिए इतनी हेल्प की थी, हमारी रॉबरी का जो हमारा नाम उसने अपने सर पर लिया था पुलिस के, वो मतलब जेल गया, सब कुछ किया था। गाइस, फिर हमने इसके लिए उसके लिए एक लैम्बोर्गिनी SVJ63 एक बहुत अमीर आदमी से घर से चुराई थी। और इस प्यार वो उसको गिफ्ट की थी। गाइस, फिर उस फ्रेंड को गिफ्ट इतना पसंद आया कि उसने उस रात को पार्टी रख दी अपने घर के लिए। बस फिर आज एक रात के लिए मैं उसके घर पर रुका हुआ था। बस फिर पार्टी चली थी पूरी रात। बस फिर मैं तो सो के अपना पूरा उठ चुका हूँ। बस फिर जो फ्रैंकलिन है वो अब तक सो रहा है, तो फटाफट जाके उसको उठाते हैं, मतलब मुझे बहुत ज़रूरी काम है उससे कोई। तो चलो गाइस, फिलहाल फटाफट चल के उसको उठाते हैं। फिलहाल फ्रैंकलिन का जो मैंशन है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आया, मतलब कितना ज़्यादा कूल और तगड़ा लगता है। बस फिलहाल देखो, इन लोगों ने इतनी पी की है, अब तक भी नहीं उठ पाया, मतलब इतने लोगों ने बियर पी रहा होगा। फिलहाल ये दो बंदे देख पा रहे, फ्रैंकलिन के दोस्त है, मतलब कोई गैंग के मेंबर है। फिलहाल ये देखो, फ्रैंकलिन अपना पूरा मस्त होकर यहाँ पे सो रखा है। फटाफट इसको उठाते हैं, बोलते हैं फटाफट उठ जाते हैं, इसे बहुत जरूरी काम है हमको एक। तो चलो गाइस, फिलहाल मैंने फ्रैंकलिन को उसकी उठा दिया, मतलब इतनी गहनी उसको, मतलब बहुत मुश्किल से उठाई। बस फिलहाल बात यह है कि मुझे वो जो डीलर या मुझे पता हुआ जैसे हम अपना शोरूम बनवा रहे हैं, बस फिलहाल मुझे उसका कॉल आ चुका है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो शोरूम है फुल एकदम रेडी हो चुका है, बस वो कह रहा है तुम फटाफट से आके देख लो, मतलब कोई चेंजेस करने तो मुझे अभी बता दो, वरना बाद में वो कुछ नहीं करने वाला है। तो बस फिलहाल फ्रैंकलिन की जो SVJ63 वही मैं लेके जाने वाला हूँ सीधा मेरे घर की तरफ। और अगर मैंने फिलहाल जिमी को कॉल पहले करके बोला था कि जो हमारी लैम्बोर्गिनी सियाने यानी कि जो साइमन के घर पे खड़ी हुई थी, गाइस फिलहाल वो उसको लाके वापस हमारे घर पे रख दे। गाइस फिलहाल कुछ भी कहो, गाइस कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन ये गाड़ी भाई अलग ही लुक आता है इस गाड़ी का। और गाइस फिलहाल आप ये पीछे जो गाड़ी देख पा रहे, बॉलर नाम है इस गाड़ी का। गाइस फिलहाल इसके दोस्तों की है जो पीछे आए हुए हैं, मतलब सो रहे हैं अब तक। तो गाइस फिलहाल फ्रैंकलिन हमको छोड़ के अपना पूरा वापस यहाँ पे आ जाएगा घर की तरफ। तो चलो गाइस फिलहाल फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं। गाइस इस गाड़ी की जो स्पीड है, मतलब गाइस मैं सच कह रहा हूँ, मतलब अभी तो मॉडिफाई भी नहीं कराई है, मतलब लैम्बोर्गिनी सियान से भी तेज़ स्पीड है इसकी। तो चलो गाइस फिलहाल, मतलब कैसी कैसी गली है देखो गाइस यहाँ पे। और गाइस फिलहाल हमारा जो घर है ज़्यादा दूर भी नहीं है फ्रैंकलिन के घर से, मतलब ये अच्छी बात है। गाइस फिलहाल अब ड्राइवर का घर भी हमसे पास है और फ्रैंकलिन का घर भी हमसे पास है, तो कोई भी दिक्कत होगी या कोई गैंग का अटैक होगा तो मतलब कोई दिक्कत डरने की बात नहीं, दोनों भाई मदद करने के लिए फटाफट से आ सकते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में होगा इस लो ठोक दी गाड़ी। गाइस फिर बच गई, और ठुकी नहीं, बच चुकी है। चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा दे सीधा माइकल के घर के लिए। तो चलो गाइस फिर अपनी गाड़ी को भगाता भगा सीधा पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर की तरफ। और गाइस फिर फ्रैंकलिन जो है हमको यहीं पर ड्रॉप करके इस गाड़ी को लेके अपने घर पे निकल जाएगा। तो गाइस फिर मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, फ्रैंकलिन इसके अंदर ही बैठा हुआ है, वो अपना सीधा घर चले जाएगा। तो गाइस फिर हम चलते हैं अंदर। और गाइस फिलहाल यहाँ पे जिमी ने हमारी गाड़ी लाई खड़ी कर दी, और गाइस इसने इंजन खुला ही छोड़ दिया भाई। मतलब देखो गाइस नीचे लाइट वाइट और इंजन पीछे स्मोक सब निकल रहा है। गाइस मतलब खुली गाड़ी छोड़ के निकल गया बच्चा, इसको मतलब चलो कोई दिक्कत बात नहीं, फटाफट से ऊपर जाएगा, कपड़े वपड़े बदलते हैं और फिर सीधा चलते हैं डीलर के पास, और देखते हैं हमारे शोरूम उसने मतलब ठीक ठाक बनाया या फिर नहीं बनाया है। तो चलो गाइस फिलहाल हमारा जो माइकल पे अच्छा सूट लगता है यानी उसका ग्रे सूट हमने पहन लिया है। अगर फटाफट चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को उठाते हैं, फटाफट चलते हैं और देखते हैं अब शोरूम का मतलब कैसा बना। गाइस मेरे को डीलर का दोबारा से एक बार कॉल आ चुका है, खैर तुम कितना लेट हो गया, और तो मैंने कह दिया भाई थोड़ा बहुत लेट तो हो जाता है। फिलहाल गाड़ी आ गई, ये खड़ी गाड़ी भाई, इंजन देखो खुला ही छोड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से गाइस इस गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, फटाफट से निकालते हैं सीधा डीलरशिप की तरफ जहाँ पे मेरी शोरूम बना हुआ है। तो गाइस देखो फिलहाल हमने गाड़ी को भगा रहा था। गाइस फिलहाल इस साइड में जब मेंशन देख पा रहे हो गाइस, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने इसी मेंशन से बहुत तगड़ी वाली गाड़ी चुराई थी उस बंदे की। गाइस मेरे ख्याल से उससे सिक्योरिटी विक्योरिटी दोबारा से लगा देगा, चेक कर लेते हैं। गाइस फिलहाल सिक्योरिटी नहीं है मेरे ख्याल से, बंदा इस मेंशन को ही छोड़ के जा, तो भाई मतलब देख के चला सकते, स्क्रैच आई गया। तो गाइस फिलहाल फटाफट से फिर सब फालतू बात को छोड़ के फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाता सीधा अपनी शोरूम की तरफ। तो चलो गाइस फिलहाल अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में भगाता भगाता सीधा पहुंच वाला हूँ मेरे शोरूम की तरफ। गाइस फिलहाल शोरूम है यहाँ से पास में है, ज़्यादा दूर भी है। गाइस फिलहाल ये जो सामने आप बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो, गाइस मेरे ख्याल से यही मेरा शोरूम होने वाला है। गाइस फिलहाल अपनी गाड़ी को, हाँ गाइस फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर फिलहाल के थोड़ी देर के लिए पार्क कर देता हूँ। गाइस फिलहाल देखो कितनी तगड़ी तगड़ी सुपर कार्स की इन लोगों ने फोटो लगा रखी है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है मतलब वाले पर इसका। तो वैसे लपटते हैं इसमें, देखते हैं वो डीलरशिप का जो मतलब कंस्ट्रक्टर है वो खड़ा है यहाँ पर। गैस फिलहाल पता नहीं वो कहाँ पर खड़ा है, मेरे को दिख नहीं रहा, देखते हैं। तो चलो फिलहाल मेरे को जो वो डीलरशिप का मैनेजर है वाकई को मुझे मिल चुका है, फिर से चल के बात करता है, पूछते हैं ये हमारा शोरूम है या फिर नहीं। बस फिलहाल ये पूरी चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सब चीज़ आ चुकी है, फिर से बात करते हैं, देखते क्या सीन है। तो चलो गाइस फिलहाल मेरी इस बंदे से पूरी पूरी बात हो चुकी है। गाइस ये कह रहा है कि यही तुम्हारा मतलब डीलरशिप और शोरूम है। तो गाइस फिलहाल फटाफट अंदर चल के देखते हैं कैसा बनाया है इसने। गाइस फिलहाल भाई साहब क्या
तगड़ा शोरूम है भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें गाड़ी रखने की। तो इस फटाफट से आपको पूरा दिखाता हूँ, मैंने भी देखा नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। मतलब पूरा ऑफिस ऑफिस है जहाँ पे मतलब लोग अपनी बैठ के कोई डील वील करेंगे, ठीक है। तो ये भी बढ़िया चीज़ बनाई है इसने यहाँ पे। अगर चाहे टीवी है और यहाँ पे इसका पार्ट्स वार्ट्स रखे, अगर किसी बंदे को गाड़ी रिपेयर कराने होगी तो वो भी करा लेगा भाई। ऊपर चढ़ के देखते हैं, मतलब ऊपर इसने क्या बनाया, फटाफट से देखते हैं क्या आया आखिरकार। तो चलो फिर, इसने इस साइड में एक रूम बना रखा है जहाँ पे मतलब अगर हमारा जो हमारा मैनेजमेंट होगा उसके साथ हम कोई मीटिंग वीटिंग करनी होगी तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर आगे चल के मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, मतलब और क्या क्या यहाँ पे है। तो फिर ऑफिस ऑफिस, हाँ यहाँ पे ऑफिस है। फिर इसने मतलब मैं इससे एक चीज़ बनाने को कही थी, इसने तो बनाई नहीं। फिर इस वाले दरवाजे के पीछे से क्या बनाया देखते हैं। तो गाइस फिलहाल ये जो रूम है, कही थी ये हमारा रूम है, यानी कि इस शोरूम के बॉस का यानी कि माइकल का। बस प्यार मैंने इससे कही थी कि यहाँ पे एक तू मतलब वो क्या लॉस सेंटोस कस्टम टाइप का जो होता है वो बना दियो। बस प्यार इस शायद से वो बनाया नहीं, तो नीचे जाकर चेक करता हूँ दोबारा से इसने वो बनाया या फिर नहीं बनाया, मतलब जहाँ पे गाड़ी रिपेयर रिपेयर होती है वो चीज़। बस एक बार बाहर इस साइड पर मैंने इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। तो चलो बस प्यार मुझे वो जगह मिल गई, मतलब ये गैराज इसने बनाया। बस प्यार यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी रिपेयर होने के लिए आएंगी वो यहाँ पे रिपेयर होंगी। बस फिलहाल ये जो आप गैराज डोर देख पा रहे हो ये है गाड़ियों के लिए, और सामने जो डोर है ये है मतलब कोई वॉकिंग इंसान चलता हुआ है तो उसके लिए। गाइस फिलहाल ये है पूरा वो सीन जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ी यहाँ पे रिपेयर होंगी फुल एकदम, मतलब मॉडिफाई वॉडिफाई भी कर देंगे हम। मतलब अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ हमने रखा नहीं कोई बंदा बंदा। और फिलहाल ये है हमारी शोरूम की एग्जिट, और आप इसको एंट्रेंस भी कह सकते हो, कोई बंदा यहाँ से एंटर होता है तो यहाँ पे भी ऑफिस ऑफिस उसके लिए बना रखा है। तो गाइस मेरे को तो मतलब ये शोरूम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस फटाफट से इस बंदे से चल के बोल देता हूँ भाई, शोरूम एकदम ओके है तुम्हारी, मतलब तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस फिर आप इस बंदे से बात करिए, गाइस ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो इसके बॉडी गार्ड इसकी गाड़ी के लेके आके इसको ले जाएंगे यहाँ से। बस फिलहाल आप सामने जो बंदा देख पा रहे हो गाइस, ये है हमारा दोस्त लमार। गाइस इसने ही हमारी वो 30 सुपर कार्स की वो जो डील है वो करवाई थी। बस फिलहाल मेरे को अपने शोरूम में मतलब दो तीन गाड़ी, आपको पता हमारे बैंक अकाउंट में इसमें 400 मिलियन डॉलर्स रखे हुए हैं। गाइस फिलहाल इस शोरूम में गाड़ी वाड़ी लाने के लिए गाइस फिलहाल मैंने इसको बुलाया, क्योंकि लमार को गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो फटाफट चला इससे बात करते हो भाई, सॉरी सॉरी कौन मिल गया, बात करते हैं उससे गाड़ी अच्छी वहाँ पर खा मिल सकती है। तो चलो गाइस लमार से मेरी बात चलेगा। लमार कह रहा है कि लॉस सैंटोस में मतलब एक गाड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम तो नहीं, मतलब वो गाड़ियाँ बेचते हैं बस। गाइस फिलहाल वो कह रहा है कि मुझे वो वहाँ लेके जाने वाला है, अच्छी खासी डील भी मिल जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हमको वहाँ पर दिलवा देगा भाई। गाइस गाड़ी में आकर नहीं बैठ पा रहा क्योंकि रोड काफ़ी पतली है, मैं थोड़ी गाड़ी आगे करके लेके आता हूँ गाइस फिलहाल इसके लिए। तो आज भाई आप फटाफट से आगे गाड़ी में बैठ जाए। गाइस गाड़ी को करते हैं लॉक और चलते हैं उस लोकेशन में जो हमको लमार ने फिलहाल दी है, जहाँ पे मतलब पूरी गाड़ी वाड़ी हमको वहाँ पे आराम से खरीदने को मिल सकती है। गाइस फिलहाल शोरूम तो मैंने पूरा देख ही लिया है गाड़ी को लेकर। तो चलो गाइस फिलहाल मैं उसी लोकेशन में पहुँच चुका हूँ जो लमार ने दिए। वो कह रहे हैं कि मतलब इसी कोई बिल्डिंग में वो मतलब जो कार की डील्स है वो होती है। तो गाइस फिलहाल बिल्डिंग कह रहा था कि मतलब कोई वाटरफॉल सा उसके फ्रंट गेट पे। तो गाइस हाँ गाइस फिलहाल यही वो बिल्डिंग है, फटाफट से अपनी गाड़ी को। ये भाई डर गए बंदे, भाई डरने की बात नहीं, मारूंगा नहीं। तो गाइस फिलहाल फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं और फटाफट से निकलते हैं। तो चलो गाइस मैं और लमार फिलहाल गाड़ी से बाहर आ चुके हैं। गाइस फिलहाल देखो मतलब कितना तगड़ा लुक आ रहा है फ्रंट से इस पूरी पूरी बिल्डिंग का, मतलब गाइस इतनी तगड़ी बिल्डिंग मतलब पूरे लॉस सैंटोस से मैंने तो देखी है अब तक। गाइस फिलहाल ये मेज मतलब आर्केडियस टावर बोलते हैं इसको बिल्डिंग को। तो गाइस फटाफट से बोल रहा है इसके 25th फ्लोर पे मतलब गाड़ियाँ जो है मिल जाएगी हमको। भाई लमार खा रहे क्या? तो गाइस फिलहाल लमार ही भागते भागते हमारे संग आ चुका है। फटाफट चलते हैं इस वाली बिल्डिंग के 25th फ्लोर पर, जहाँ पे वो सारी सारी गाड़ियाँ जो हमको मिल जाएंगी। तो गाइस फटाफट से इस वाली गेट से एंट्री लेते हैं, फटाफट चलते हैं 25th फ्लोर की तरफ। तो चलो गाइस फिलहाल मैं और लमार तो मतलब इस वाली लिफ्ट से 20th फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं। और गाइस फिलहाल यही वो शोरूम है जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ मिली हैं। गाइस फिलहाल ये यही वो बंदा है जो मतलब गाड़ी वाड़ियाँ बेचता है। फटाफट से बात करते हैं, पूछते हैं गाड़ियाँ हम देख सकते हो मतलब कितने इसकी रेट होंगी। तो चलो गाइस फिलहाल इस बंदे से पूरी पूरी बात होगी। गाइस ये कह रहा है कि ये इसमें इस फ्लोर में इसमें इस वाले उसमें 3 फ्लोर है। गाइस फर्स्ट फ्लोर पर मतलब वो कॉम्पैक्ट और जितनी नॉर्मल कार होती है वो मिल जाएगी। गाइस सेकंड फ्लोर पर इसमें जितनी भी SUV है वो है, और गाइस थर्ड फ्लोर पर है सुपर कार्स। बस पहले देखते हैं कि इसमें नॉर्मल कार कौन कौन सी है। तो गाइस फिलहाल ये सारी जो कार है सारी कॉमन है लॉस सैंटोस के अंदर। गाइस ये कॉमेट है और ये शायद से कोई, गाइस ये थोड़ी मेरे को रॉयल कार टाइप की लुक की लग रही है। और गाइस फिलहाल ये बफेलो तो मतलब फ्रैंकलिन की है। गाइस बाकी सारी सारी नॉर्मल कार थे जो भी लॉस सैंटोस में होती है। गाइस फिलहाल इनमें से भी हम एक दो ले लेंगे, क्योंकि गाइस हमको शोरूम में नॉर्मल कार्स भी रखनी पड़ेगी। गाइस कोई बंदा आएगा तो मतलब उस महंगी कार तो ले नहीं सकता हर कोई। बस फिलहाल लमार भी अपना पूरा देख रहा है। और फिलहाल इस तरफ इसने रखी हुई जितनी भी SUV जिसके पास हो सकती थी। तो गाइस फिलहाल SUV तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी है इसके पास। गाइस ये SUV तो लैम्बोर्गिनी का ही कोई वर्जन लग रहा है। तो और सामने के सामने फिलहाल अभी 400 मिलियन डॉलर है, तो उसके हिसाब से देखनी पड़ेगी। गाइस फिलहाल ये वाली गाड़ी भी देखूँगा तो कितनी ज़्यादा बड़ी है भाई, लग्जरी मतलब एकदम लुक आ रहा है इसका।
और सामने की तरफ ये पूरी आर्मर्ड कार लगे, जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड चलाते हैं वो आर्मर्ड कार रही है। इस वाले फ्लोर से भी हम एक दो गाड़ियाँ देख रहे हैं कौन सी लेनी है लमार से बात करके। अगर इस फ्लोर मैं ऊपर चल के देखता हूँ कि और कौन कौन सी गाड़ियाँ हमको मिल जाएंगी। तो चलो गाइस फिलहाल यही है वो असली जगह जो मैं जब से ढूंढ रहा था। तो गाइस फिलहाल ये है अपने लंबोर्गिनी टैरिज़ो, ये SVG 63 गाइस, ये है रॉकेट वोल्टिक, और ये पता नहीं कौन सी गाड़ी मैं चलाई नहीं आ सकता। गाइस ये देखो कितनी तगड़ी बुगाटी, गाइस ये तो पक्का से लेनी है, कोई कच्चा कुछ भी हो जाए। गाइस फिलहाल ये है इन्फर्नस। गाइस फिलहाल इसके पास अभी क्या है, इतनी ही गाड़ियाँ फिलहाल इसके पास है। तो फटाफट चल के लमार से बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी गाड़ी हमको लेनी चाहिए यहाँ से। तो गाइस लमार कहाँ रह गया पता नहीं, जो फटाफट से ढूंढते हैं उससे बात करते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल मेरी लमार से पूरी पूरी बात हुई। गाइस लमार कह रहा है कि हमको इस ग्राउंड फ्लोर से एक तो एक कॉमेट, और गाइस उस सामने लग्जरी कार जो दिख रही है वो, और गाइस एक साइड में वो एक गाड़ी खड़ी ना, वो मतलब कौन सी मेरे को नाम नहीं पता उसका, वो खैर एक वो ले ले। और इस ऊपर में से हम लेने वाले एक दो SUV, और गाइस टॉप फ्लोर में से लेने वाले हम लेम्बोर्गिनी SVJ 63, बुगाटी, और गाइस लेम्बोर्गिनी टैरिज़ो। तो फटाफट से बात करते हैं कि पूरी पूरी जितनी जो भी हमने गाड़ियाँ फाइनल की उसकी प्राइस कितनी होगी फाइनली। तो चलो गाइस मैं इससे बात होगी बंदे से, गाइस मैंने इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दी है $250 मिलियन की। और गाइस फिलहाल ये कह रहे जो जितनी भी तुमको गाड़ियाँ चाहिए वो आज मतलब कल सुबह तक पहुँच जाएंगे हमारे पास। बस फिलहाल एक बार व्यू देखो पूरे लॉस सेंटोस का, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो चलो गाइस फिलहाल यहाँ से चलते हैं, हमको बाइक वाइक भी देखनी है। मतलब गाइस फिलहाल जो बजट है वो हमारा कम हो चुका है बाइक के लिए, क्योंकि हमको भाई $400 मिलियन थे। गाइस 50 तो मेरे को बचा के रखने, बाकी $100 में हमको मिलियन डॉलर में कोई बाइक चाहिए। तो इससे बात करते लमार से कहाँ पर बाइक मिलेगी हमको। तो चलो गाइस फिलहाल मैं और लमार ऊपर से मतलब सारी सारी कार की डील करके नीचे आ चुके हैं। गाइस फिलहाल मैं लमार से बात भी कर ली है। गाइस लमार कह रहे हैं जो हमको मतलब बाइक की ज़रूरत है, मतलब जो हमारा जो बजट है अब कम है, तो खैर है कि मैंने हमको जो बाइक है गाइस अब वो लॉस सेंटोस में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉस सेंटोस में जो बाइक है बड़ी महंगी मिलती है। गाइस फिलहाल ये हमको खैर है कि पलीटो में एक जगह है जहाँ पे हमको बाइक जो है बड़े सस्ते में आराम से मिल सकती है। तो गाइस फिलहाल ये खैर है कि तुम वहाँ पर जाके मतलब वो हमको बाइक जो है मॉडिफाई भी करके देने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल इसने मुझे लोकेशन दे दी है, खैर है कि फटाफट से वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर जाके बाइक की पूरी डील करके आते हैं। तो गाइस फिलहाल लमार जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा सही बंदा है, मतलब इसको कार के बारे में इतनी सारी नॉलेज है कि मतलब इसने हम इतना तगड़ा शोरूम, मतलब सॉरी शोरूम नहीं, इतना तगड़ा कार का डीलरशिप दिखा के हमारी गाड़ियों को इंतजाम करा दिया, बाइक की बहुत तगड़ी जगह से हमको बता दिए। बस यार ये खड़ी अपनी लंबाओगे से यार फटाफट से इसको उठाते लेके चलते सीधा उस लोकेशन में जो मुझे लमार ने दिए। गाइस वो जो जगह वो पलीटो के अंदर का जहाँ पे हमने फ्रैंकिंग को छुपाया था आपको पता होगा, तो वहीं पे हमको जाना है। फिर भाई हट जाओ, तो भाई वो ट्रैफिक देखो आप कितना तगड़ा ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। चलो गाइस फटाफट से अपनी इस लंबोर्गिनी सियान को भगाते हैं सीधा उस जगह पे जो मुझे लमार ने लोकेशन दी है। तो चलो गाइस फिलहाल मेरी लंबोर्गिनी सियान को 200 के ऊपर की स्पीड से भगाता भगा सीधा पहुँचूँगा गाइस मैं हाईवे पे। गाइस फिलहाल इस जो गाड़ी की स्पीड आपको पता है, खैर लंबोर्गिनी सियान तो मतलब ये हवा से बातें करती डायरेक्ट। गाइस फिलहाल इसको चलाने के कितना ज़्यादा मज़े आता है, मतलब गाइस फिलहाल फ्रैंकिंग को जो गाड़ी थी वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। अगर मेरी तो फेवरेट कार मैं बताऊँ तो ये वाली, क्योंकि इसकी स्पीड और मॉडिफिकेशन और जो उसका लुक है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। अगर फटाफट से देखो मतलब कितनी तगड़ी स्पीड में भागी भागी जा रही है, मतलब ऐसे फिलहाल स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं क्योंकि रनिंग हाईवे है तो एक्सीडेंट हो सकता है हमारे यहाँ पे। बस फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा ले सीधा पलीटो की तरफ। बस फिलहाल लमार कह रहा है कि मतलब, तो बस आपको मैं बता दूँ कि मतलब हमारा जो शोरूम है उसकी जो फुल डीलरशिप है, मतलब जिमी और लमार अब संभालने वाले हैं हमारा जो पूरा शोरूम है। बस फिलहाल क्या है कि माइकल और हम तो मतलब चोरी वोरी काम में लगे रहते हैं, मतलब कोई और कहा तो फिलहाल जिमी और लमार को अपना शोरूम संभालने को दे देंगे, तो ये दोनों अपने संभालते रहेंगे शोरूम को और हम जो बाकी हमारा काम है वो करते रहेंगे। बस एक बार मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ गाड़ी की, 1 2 3 आवाज़ ही देखो कितनी तगड़ी स्पीड से जा रही है, मतलब गाड़ी भाई ओ भाई थुकी से भाई अभी फिलहाल कबाड़ा हो चुका है। तो फटाफट से गाड़ी को भगा देते तो उस लोकेशन में जो मुझे लमार ने दी है। तो चलो गाइस अपनी गाड़ी को भगाता भगा सीधा पहुँचूंगा गाइस पलीटो का इसी साइड में जब अपना है माउंट शिवियर, जहाँ से आपको याद होगा मैं सोलोमन की फैमिली को रेस्क्यू कराया था। बस फिलहाल आगे जाके जो पूरा बड़ा शहर शहर तो नहीं गांव है देख पा रही हूँ, यही पलीटो है। बस फिलहाल यहीं पे उसने मुझे लोकेशन दी थी, फटाफट से यहीं पे चलते हैं। बस ये लमार कह रहा है कि अंदर जाके मतलब कोई गैराज टाइप का है वहाँ पे, इन लोगों ने अपना पूरा वो बना रखा है। बस फिर अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मतलब अपनी गाड़ी को पार्क वार्क कर सके ताकि चोरी वोरी ना हो। बस फिर थोड़ा आगे चलते लोकेशन ये आई नहीं है जो उसने मुझे दी है। चलो गाइस फिर उस लोकेशन में पहुँचूंगा जो मुझे लमार ने दिए। गाइस आप साइड में जो मतलब गैराज देख पा रहे हो, इसमें भी वो मतलब बंदा अपना बाइक वाइक बेच रहा है। तो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं, बस यही आगे के सामने इसको पार्क करते हैं, फटाफट से चलते हैं और मतलब बाइक की पूरी डील जो है करके आते हैं। तो बस फिलहाल मतलब यहीं पर कहीं से मुझे बताया था गाइस, फिलहाल सामने की तरफ में इसने मुझे बोला था गैराज है उनका। तो गाइस फिलहाल
हाँ गाइस ये तो गाइस ये फिलहाल इनका गैराज से देख पा रहा है, स्मोक निकल रहा है, मतलब इनका काम चल रहा है इस समय। फटाफट तो चलते हैं फटाफट इसके से अंदर, पूरी पूरी डील करते हैं उससे, बंदे से पूछते बाइक कितने की मिलने वाली है, मतलब कितनी बाइक हमको मिल सकती है। तो चलो गाइस फिलहाल मैं और लमार जो है इस वेयर हाउस के अंदर आ चुके हैं। गाइस आपको इस वेयर हाउस में देखो कितनी सारी बाइकें हैं। गाइस फिलहाल इस वाली कार में जो है फुल एकदम मॉडिफिकेशन चल रखा है। एक बंदा नीचे आया कुछ कर रहा है गाइस, ये अपनी मतलब कोई कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। गाइस फिलहाल ये बंदा यहाँ पे स्मोकिंग वोकिंग कर रहा है। बस फिलहाल यहाँ पे तो एक से एक बाइक है। बस फिलहाल मेरे को ये बंदा थोड़ा ठीक लग रहा है, इससे बात करते ही कौन कौन सी बाइक हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस फिलहाल मेरी इस बंदे से पूरी पूरी बात हो रही है। गाइस कह रहे कि जो बाइक तुमको इस समय यहाँ पे दिख रही है वो इनके पास इस समय स्टॉक में है यहाँ पे। बस फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये है अपनी हायाबुसा जो कि इस समय ट्रेवर के पास भी है। और गाइस फिलहाल ये कौन सी बाइक है गाइस, ये वैसे बैठ के देखते हैं कैसी। अरे भाई 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 भाई, तो भाई ये वैसे बैठ के देखते हैं भाई मतलब कैसी। गाइस इसमें तो लाइट चल रही है, मतलब भाई साहब नेक्स्ट लेवल बाइक है भाई। तो भाई तो लेनी पे तो पक्का से लेनी है। बस फिलहाल ये है रेसिंग बाइक, इसको भी ले लेते हैं। बस फिलहाल मैं एक ये वाली बाइक, एक ये वाली और एक हायाबूसा, और गाइस और देखते हैं और कौन सी बाइक इनके पास यहाँ पे रखी हुई है। गाइस फिलहाल ये वाली बाइक कौन सी है भाई, इसको भी बैठ के चेक करते हैं इसके अंदर क्या होता है, रेस वेस कैसी है इसकी पूरी यहाँ पे। गाइस फिलहाल ये जो भाई साहब, गाइस ये भी इसमें भी लाइटिंग कर रखी है इन लोगों ने। तो भाई अगर ये बाइक अपने शोरूम में आ गई तो भाई मतलब अपना शोरूम में डीलरशिप बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। गाइस फिलहाल एक ये वाली बाइक ले लेते हैं। और गाइस फिलहाल ये तो मतलब थोड़ी सी मतलब मसल बाइक लग रही है, जो मतलब इस्तेमाल आती है रेसिंग वेसिंग में। और गाइस फिलहाल ये वाली बाइक जो है, नहीं, गाइस फिलहाल ये जो मैंने बाइक कंफर्म की ये लेने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल तो बंदे से बात करता हूँ, पूछता हूँ इनकी बाइक की जो कॉस्ट है कितनी हो गया। तो चलो गाइस फिलहाल मेरी बंदे से पूरी पूरी बात हो रही है। गाइस ये कह रहा है कि इस बाइक की जो तुमने हमने 5 बाइक ली, इनकी जो कॉस्ट है गाइस सिर्फ और सिर्फ $60 मिलियन है। गाइस फिलहाल मैंने क्वान्टिटी बढ़ा दी है। गाइस मैंने जो आप पीछे देख पा रहे हो इसका नाम छोटारो है, इस वाली बाइक की मैंने 3 क्वान्टिटी कर दी है। गाइस उस साइड वाली बाइक की यानी हायाबुसा की 2 कर दी है। गाइस फिलहाल अब हमारे पास $90 मिलियन का वो हो चुका है मतलब देने इनको। गाइस ये कह रहा है इनका जो बॉस है यानी जिसका ये मतलब पूरा पूरा काम है वो ऊपर है, तो फटाफट से उसके जाके ऊपर जाके बात करते हैं, पूछते हैं कि मतलब पेमेंट कैसे करनी है और डिलीवरी तुम कब कराओगे। गाइस यहाँ पर देखो फुल अपने बातें में लगे पड़े, फटाफट से बात करते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल मेरी बहन से पूरी पूरी बात हो रही है गाइस, और मैंने इनके अकाउंट में $90 मिलियन जो है ट्रांसफर कर दिए। गाइस ये खैर चिंता मत करो, तुम्हारी जो बाइक यानी कल सुबह तक हमारे शोरूम के आगे तक पहुँच जाएगी। तो गाइस फिलहाल फटाफट यहाँ से निकलते गाइस, जमार को तो मतलब गाइस कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, मतलब इसने इतना तगड़ा वाला काम करा दिया गाइस, तगड़ी तगड़ी बाइकें दिलवा दी इसने हमको इतने सस्ते में वो भी। बस फिलहाल ये वाली गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन अभी बजट नहीं है, बाद में आके लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फटाफट से इस वाले बाहर निकलते हैं डीलरशिप से। तो चलो गाइस मैं और लमार उस वाले वेयर हाउस से बाहर आ गया। गाइस हमारी पूरी पूरी डील हो चुकी है, सारा काम ना शुरू कर निपट चुका है। गाइस अब देखो फिलहाल रात भी हो चुकी है, अब फटाफट से निकलते हैं लॉस सेंटोस से, घर जाके मतलब सोते होते हैं, और सुबह तक जो है अपनी सारी सारी गाड़ी जो है अपने शोरूम के आगे तक पहुँच जाएगी, जैसे कि उन बंदों ने कहा है। भाई लमार फटाफट से आ जा, बस फिलहाल लमार के लिए गाड़ी पीछे लेके जानी पड़ेगी, ऐसे आएगा नहीं है। बस फिलहाल गाड़ी की थोड़ी बार रिपेयरिंग करानी होता, ठुक गई हाईवे के अंदर लाने में इसको। तो चलो गाइस अभी फिलहाल पूरा पूरा काम एकदम अच्छे तरीके से निपट। तो चलो गाइस फिलहाल पर शोरूम का जितना भी काम है सारा सारा डन हो चुका है। गाइस फिलहाल शोरूम अपना बन चुका है, उसके बिल्डर को पूरी पूरी पर $25 मिलियन की पेमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। गाइस फिलहाल शोरूम के लिए बाइक्स कार्स वो सभी हमने खरीद लिया, उनकी वो पेमेंट हो चुकी है। बस फिर हमारे पास जो बचे $50 मिलियन गाइस, उनसे हम शोरूम के अंदर मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो बॉडी गार्ड वो सब हम मतलब उनको जो पैसे देने होंगे उन सब के इस्तेमाल में लेंगे। बस फिलहाल अपना पूरा काम डन गया, कल से हम शोरूम पूरा खुल जाएगा। बस जो कार्स की डिलीवरी है वो कल सुबह तक शोरूम के आगे तक पहुँच जाएगी, जैसा कि मेरे डीलर से बात हो गई है। मगर फिलहाल लमार से मैंने पूरी पूरी बात कर ली। गाइस लमार भी हमारे शोरूम संभालने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो खैर कि भाई मतलब कहीं मतलब पैसे तो नहीं मांग रहा उनसे, पर खैर है कि जैसे इसको मैं शोरूम में से कोई भी गाड़ी पसंद आएगी तो उसको ले लेगा। तो फिलहाल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, गाड़ी एक गाड़ी देने में से कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। चलो गाइस फिलहाल फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा दे सीधा लॉस सेंटो का। सबसे पहले मैं लमार को उसके घर पर छोड़ने वाला हूँ। गाइस फिलहाल लमार पूरे दिन से हमारे साथ लगा पड़ा है मतलब गाड़ियाँ खरीद के दुनिया के अंदर। गाइस फिलहाल उसको फटाफट उससे घर छोड़ते हैं। फिर मैं जाऊँगा अपने घर पर और कुछ थोड़ी देर आराम करके सोएंगे। गाइस फिलहाल अपना शोरूम की जो सुबह डिलीवरी होगी कार्स की वहाँ पर जाके पूरा मतलब सीन देखेंगे क्या सीन है। चलो गाइस फटाफट अपनी गाड़ी को भगा दे सीधा लॉस सेंटोस के लिए। बस लंबोर्गिनी से तो आपको पता चलाने के कितने तगड़े वाले मज़े आते हैं, देखो मतलब कितने तगड़ा सीन आता है चलाने का। चलो गाइस फटाफट अपनी गाड़ी को भगा दे सीधा लॉस सेंटोस के लिए। तो चलो गाइस फिर अपनी लंबोर्गिनी सियान को भगाता भगा सीधा पहुँचूंगा गाइस मैं लॉस सैंटोस। और गाइस फटाफट से अपनी इस गाड़ी को भगा सीधा डाउन स्ट्रीट के लिए। गाइस जो डाउन स्ट्रीट की कॉलोनी यहाँ पे लमार रहता है, तो पहले उसको वहाँ पे हमको छोड़ना है, उसके बाद हम जाएंगे सीधे अपने घर के लिए। बस फिलहाल यहीं पर ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और लेके चाहे सीधा डाउन स्ट्रीट के लिए। गाइस एक बार देखो
रात में मतलब लॉस सेंटोस कितना तगड़ा लगता है, तो पूरी लाइट ही लाइट है मतलब हर बिल्डिंग के अंदर, चीज के अंदर। तो कहीं फालतू बात को छोड़ कर से लमार्को से घर छोड़ते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है अभी। तो चलो गाइस मैं लमार्को जो कि उसे घर के आगे छोड़ देगा इसी बिल्डिंग में, जो आप पूछे उसका येलो शर्ट में देख रहा है, इसका वो पार्टनर है, रूम पार्टनर है। तो फिलहाल लमार अपने यहाँ से घर के चले जाएगा, इस आप फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते सीधा अपने घर के लिए। ऐसे क्योंकि फिलहाल अब रात के बज चुके हैं 1:30 और गाइस फिलहाल शिट बस अभी जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, फटाफट चलते हमको सोना वोना भी है। फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते सीधा अपने घर की तरफ गाइस। तो चलो गाइस अपनी गाड़ी को भगाता भगा सीधा पहुँचो गाइस माइकल के घर पे। और गाइस फिलहाल यही है माइकल का घर जो आप देख पा रहे हैं साइड में। बस फटाफट से अपनी गाड़ी को अंदर जाके करते हैं पार्क और गाइस फटाफट चल के अपने घर में सोते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है अब। हमें फट कल थोड़ा ज़्यादा काम भी है, मतलब शोरूम वोरूम को देखना है, तो फटाफट अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं। भाई गेट तो बंद हो जा। तो चलो गाइस फिलहाल गेट वेट हमने सब बंद कर दिया, फटाफट से अंदर चलते हैं, बस फटाफट चल के अपने कमरे में जाके बस फटाफट चल के सो जाते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल मैं माइकल के कमरे में पहुँच चुका हूँ, फटाफट से बेड पे चलते हैं, फटाफट सोते हैं। मगर सुबह होने का इंतजार करते हैं कि हमारी सारी सारी गाड़ियाँ शोरूम में आकर डिलीवर होगी और अपना शोरूम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो गाइस फिलहाल सुबह हो चुकी है और माइकल जो कि अपना सो के बिल्कुल एकदम उठ चुका है गाइस, फटाफट चल गया गाइस। जिमी को मैं बोलने वाला हूँ कि तू हमारे संग चलते को शोरूम वोरूम दिखाते हैं कहाँ पर है, और फिलहाल इसको पूरा पूरा जो डीलरशिप है मतलब काम वाम सिखा देंगे। तो गाइस फिलहाल ये रहा जिमी, फटाफट इसको बोल दे तू हमारे संग चल। तो चलो गाइस फिलहाल जिमी मेरे संग आएंगे, रेडी हो चुका है गाइस ये, कह रहे कि चलो अपने शोरूम में मतलब पूरा पूरा डीलरशिप संभालने को उसको दे देंगे। मैं फटाफट चल के बार नीचे फटाफट चल के नीचे जूस वूस पीते हैं, पूरा फ्रेश फ्रेश होता है फटाफट से, और फिर चलते सीधा उस जगह पर जहाँ अपना शोरूम पहुँच चुका है। चलो गाइस फटाफट से जूस वूस पीते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस फिलहाल मैं जूस वूस जो सब पी लिया है गाइस, फिलहाल मेरे को उस डीलर का कॉल भी आ चुका है, वो कह रहा है तुम्हारी सारी गाड़ियाँ और बाइक जितनी भी हो है वो सब आगे यहाँ पर डिलीवर हो चुकी है। तो गाइस फिलहाल फटाफट अपने लैम्बोर्गिनी से आने के अंदर बैठते हैं, फटाफट से उसको बाहर निकालते हैं। गाइस जिमी फिलहाल शायद से बाहर ही खड़ा होगा, फटाफट से उसको अंदर बैठाते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल जिमी भी घर से आके हमारी गाड़ी के अंदर बैठने वाले, मतलब बैठा नहीं है तो इतना खाएगा बर्गर तो यही होगा। तो चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी को भगा देते हैं उस लोकेशन में जहाँ पे हमारा शोरूम मतलब बन रहा है, मतलब सॉरी बन रहा ही बन चुका है। तो फटाफट से वहाँ चलते हैं, मतलब लमार भी अपने वहाँ पे पहुँच चुका है, उसका मुझे कॉल आ चुका है, वो कह रहा है कि फटाफट तुम भी यहाँ पे आ जाओ, मतलब सारी गाड़ी यहाँ पे डिलीवर हो चुकी है। तो फटाफट से अपनी लंबोगी से उनको भगाने वाला हूँ सीधा अपने उस लोकेशन पे जहाँ हमारा शोरूम बना है। तो चलो गाइस फिर अपनी गाड़ी को भगाता भगा सीधा पहुँचने वाला हूँ उस जगह पे जहाँ पे मतलब हमारा शोरूम बन रहा है, मतलब बन चुका है गाइस, फिर बन रहा है मुझसे निकल रहा है। तो गाइस ये देखो सारी गाड़ियाँ एकदम फुल्ली लोडेड यहाँ पे आ चुकी है। तो गाइस फिर अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पार्क करता हूँ फटाफट से, फिलहाल फटाफट जाकर लमार से बात करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई जिमी भी बाहर निकल जाए फटाफट से, कि गाड़ी को अंदर फटाफट से लोड कराओ ये और जिमी। तो चलो गाइस मैं लमार और जिमी से बोल दिया गाइस, ये लोग जो अपनी जितनी भी ट्रॉन बाइक और जितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ हैं गाइस, ओ भाई SPG कैसे लोड कर रखे हैं लोगों, गिर जाएगी भाई साहब। तो फिलहाल ये सब दोनों मिलकर इन सारी गाड़ियों को लोड करा देंगे शोरूम के अंदर। चलो गाइस फिलहाल मेरे को एक काम है, तो मैं फटाफट से उस जगह पर जाता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत काम था। तो ये दोनों अपनी यहाँ पे गाड़ी वाड़ी फुल एकदम लोड करा देंगे। तो चलो गाइस फटाफट अपनी गाड़ी को भगा दूँ। तो चलो गाइस अपना पूरा शोरूम का जितना काम है सारा डन हो चुका है गाइस, आज शाम से हमारा शोरूम खुल जाएगा लॉस सैंटोस के अंदर, और अपनी जितनी कमाई है खूब कमाई होने वाली है, मतलब माइकल को पैसे की दिक्कत कभी नहीं पड़ेगी पूरी ज़िंदगी के अंदर। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चाहे सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मुझसे बात करना कि आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Yeah.